माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की बात करते हैं टेंस। फ्रेंड्स, आज से स्टार्ट करते हैं हम टेंस। फ्रेंड्स, टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश अच्छी सीखना है तो आपको टेंसेस तो आने चाहिए। अब फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये होती है कि टेंस होते कितने हैं, टेंस कैसे कैसे बनते हैं, ये ट्रांसलेशन हम करते कैसे हैं, सारा कुछ जानते हैं आज से। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, टेंस कितने टाइप के होते हैं, सारा कुछ सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टेंस। फ्रेंड्स, टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं इसको? काल। और इसी टेंस, स्पेलिंग सेम, इसी टेंस को हम बोल देते हैं तनाव। इट मीन्स खिंचा हुआ, स्ट्रेच। अब बात करते हैं ये टेंस का यूज हम इंग्लिश में करते कब हैं। तो फ्रेंड्स, अब टेंस का यूज हम करते कब हैं, टेंस क्या शो करता है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी हिंदी सेंटेंस में एक्शन का टाइम और क्या एक्शन हो रहा है इसको शो करता है, उसको बोलते हैं हम लोग टेंस। अब ये टेंस होते कितने हैं? फ्रेंड्स, टेंस होते हैं थ्री। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। अब ये थ्री हो गए, लेकिन इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको बोलते हैं सब डिवीजन टेंस। अब ये कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स, जितने भी टेंस हैं उनके सब डिवीजन पार्ट होते हैं फोर, टोटल हो गए 12। तो बात करते हैं कौन कौन से हैं और कैसे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है टेंस। टेंस को आप लिख सकते हो हिंदी में काल। क्या बोलते हैं इसको? काल। और इसके नेक्स्ट हिंदी होती खिंचा हुआ या तो तना हुआ। अब बात करते हैं टेंस कितने होते हैं। तो मैंने अभी बताया है टेंस, देयर आर थ्री टेंस। फर्स्ट नंबर पर आपका आता है प्रेजेंट टेंस, और सेकंड नंबर पर आपका आता है पास्ट टेंस, एंड थर्ड नंबर पर आपका आता है फ्यूचर टेंस। अब फ्रेंड्स, ये तो मुझे पता हो गया, लेकिन कुछ और भी मीनिंग हम समझ लेते हैं कि एक इंग्लिश में एक वर्ड की हिंदी वर्ड्स कितने हो सकते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि इंग्लिश का अगर आप एक वर्ड लोगे तो हिंदी में उसके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो आज हम जानते हैं कि एक इंग्लिश के वर्ड से हम लोग और कितने वर्ड्स बना सकते हैं। सपोज मेरे पास क्या है? प्रेजेंट। अब हम प्रेजेंट की हिंदी कौन कौन सी बना सकते हैं देखते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट। एक तो प्रेजेंट की हिंदी होती है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। दूसरे प्रेजेंट की हिंदी होती है उपस्थित। तीसरी प्रेजेंट की हिंदी होती है उपहार, इज इक्वल टू गिफ्ट। ये हमारी हो गई प्रेजेंट की हिंदी। और एक प्रेजेंट को हम एज मेन वर्ब यूज करते हैं, उस सेंस में यहाँ पर हो जाएगा उपस्थित होना, उपस्थित करना, प्रस्तुत करना, ये भी हिंदी हो जाती है प्रेजेंट की। अब इसी तरह बात करते हैं पास्ट की हिंदी क्या क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, पास्ट की हिंदी हो जाती है भूत। इसी का हो जाता है अतीत। क्या हो जाता है? अतीत। और इसी का मतलब हो जाता है हिंदी में गत, इट मीन्स पिछला। बात करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर भविष्य। फ्यूचर की हिंदी क्या लिख सकते हैं हम लोग? भविष्य। और क्या लिख सकते हैं? भावी। क्या लिख सकते हैं? भावी। अब बात करते हैं, तो फ्रेंड्स इतना मैंने बता दिया कि टेंस के थ्री पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। अब बात करते हैं सब डिवीजन ऑफ टेंस। अब फ्रेंड्स, सब डिवीजन ऑफ टेंस की हिंदी क्या होती है? तो इसकी हिंदी होती है काल का उपविभाजन। इट मींस टेंस के भी पार्ट्स होते हैं। वो कितने कितने पार्ट्स होते हैं? वो होते हैं 4 एंड टोटल हो जाते हैं 12। अब कौन कौन से होते हैं डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्रेंड्स, जहां जहां हमने प्रेजेंट किया है वहां वहां आपको कर देना है पास्ट। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सब डिवीजन ऑफ पास्ट टेंस। अब फ्रेंड्स, जहां पर आपने किया था पास्ट, पास्ट की जगह पर हमें क्या कर देना है? फ्यूचर। तब ये हो जाएगा सब डिवीजन ऑफ फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड्स, ये हुए मेरे
पार्ट्स ऑफ टेंस। आपको ये भी पता चल गया टेंस कितने होते हैं, टेंस की हिंदी क्या क्या हो सकती हैं, प्रेजेंट की हिंदी क्या क्या हो सकती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हर एक पार्ट का और हर एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, जो कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आपने पढ़े भी नहीं होंगे, अगर पढ़े होंगे तो आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।